विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान कार्मिकों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण डीडीयू विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मतदान कार्मिकों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण डीडीयू में चल रहा है तथा वहीं पर उनके मतदान करने की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया था, अब यह दूसरा प्रशिक्षण चल रहा है जिसमें मतदान कार्मिकों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा अच्छी सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण प्रेक्षक की निगरानी में किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, मिलकर के एक वी वी पैट मशीन बनता है और सबसे पहले जो बैलेंस यूनिट है इसके कनेक्शन को वी वी पैट से जोड़ते हैं, उसके बाद जो है मतदान का जो आगे का प्रोसेस है शुरुआत होता है। और इसमें जो है मतदान करने से पूर्व सबसे पहले यहाँ पे जो एक बैलेंस बटन दिया हुआ है इसको ऑन करते हैं। ऑन भी बताता है कि मतदान स्टार्ट हो गया है, तो हमारे जो वोटर है वो जाएंगे अपना बैलेट यूनिट से बटन दबाएंगे और फिर अपना मतदान करेंगे। मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण चला सर क्या करेंगे? अभी सभी मतदान कार्मिकों के लिए दूसरे चरण का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया यूनिवर्सिटी कैंपस में, वहीं पे उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर, उनके लिए वोटिंग का व्यवस्था की गई है, वहाँ पूरी टीम तैनात की गई है। और जैसे पिछले सत्र में ट्रेनिंग की गई थी, इस सत्र में भी उनके छोटे छोटे समूह में कक्षाओं में प्रोजेक्टर्स के माध्यम से अच्छी सामग्री का वितरण करते हुए हमारे प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अच्छी गुणवत्ता के प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और माननीय प्रेक्षकगण भी इसमें उपस्थित हो रहे हैं, उनकी निगरानी हो रही है और हम सब लोग कक्षाओं में भ्रमण करके लोगों को उत्साह बढ़ाते हुए, मनोबल ऊंचा रखते हुए, सभी को सुरक्षा का आश्वासन करते हुए सभी हमारे मतदान कार्मिकों को सुगम व्यवस्था मिल जाए और बड़े दक्ष कर्मचारियोंगण द्वारा सकुशल इस प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं।